नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं आज हम। तो इससे लास्ट लेक्चर में हम रिजल्ट्स कर चुके हैं कि भाई एनपीआर क्या होता है या पीएनआर। परम्यूटेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, भाई एन पी आर दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। जो आर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट लेस देन इक्वल टू एन होता है। अच्छा, एन के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, ये होता है, इसको हम परम्यूटेशन। अच्छा, इसको हम किस टाइप से पी एन कोमा आर से भी डिनोट कर सकते, ठीक है। तो रिजल्ट्स हम कर चुके हैं पहले, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो, 7P4 ये किसके इक्वल होगा, 7 फैक्टोरियल बाय 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। दिस इज 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। ये क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल दोनों क्या है, कैंसिल। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 840, ये आंसर आ गया। तो इस टाइप से ये एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि क्या आ जाता है, 18P2 भाई 18 फैक्टोरियल बाय 18 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो वहाँ तो है 18 फैक्टोरियल, यहाँ है 16 फैक्टोरियल। 16 कम है 18 से, तो ऊपर 18 वाले को डाउन करेंगे, 18 × 7 × 16 फैक्टोरियल लिखेंगे, क्यों नीचे 16 फैक्टोरियल है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और कैंसिल होने के बाद इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 0 6 ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एन पी एन हमें प्रूव करना है किसके इक्वल है, 2 × (NpN-2). तो राइट हैंड साइड ले लो, 2 × (NpN-2), ये किसके इक्वल आएगा, 2 × (N-2). दिस इज 2 × (N), n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज n फैक्टोरियल। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, NpN, दिस इज (N)/(N-N)। n से n कैंसिल, तो (N)/0, दिस इज (N)। 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द रिजल्ट, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, 10P3 को किसके इक्वल प्रूव करना है, 9P3 + 3 × 9P2। तो पहले चलो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, 10P3 दिस इज इक्वल टू 10 × (10−3)। दिस इज 10 × 7 इसको 10 × 9 × 8 × 7 × 7 कैंसिल, और ये आ जाएगा 720, ठीक है। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, 9P3 + 3 × 9P2। 9P3 होता है 9 × 9−3, दिस इज 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। 3 × 9 × 9−2, दिस इज 7 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करके लिख सकते हैं, देखो क्या आएगा, 9 × 8 × 7 × 6 × 6, ये दोनों कैंसिल, प्लस 3 × 9 × 8 × 7 × 7 कैंसिल, ठीक है। तो देखो, जब
जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो आपके पास आ जाता है 504 और ये आ जाता है 216, दिस इज 720। तो देखो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो भी 720 और राइट हैंड साइड भी 720 है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड की, हेंस द रिजल्ट। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, जो आपने फॉर्मूला सीखा है बस उसी का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, देखो NP6 इज इक्वल टू 3 इंटू NP5। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, n फैक्टोरियल बाय, अच्छा इसमें देखो क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या गिवन है, जब ये दोनों इक्वल है तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, n की। तो इक्वल दे रखे हैं अभी, तो इसको सोल्व करो, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल, 3 इंटू n फैक्टोरियल बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल कैंसिल, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n माइनस 5 फैक्टोरियल किसके को आ गया, 3 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल, 3 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो n माइनस 5 किसके को आ गया 3 के, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 8, ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चंस हम ट्राई कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, टू इंटू एन पी थ्री किसके कॉल है, एन प्लस वन पी थ्री के, तो इसको लिख सकते हैं टू इंटू एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल बाय n प्लस 1 में से 3 जाएगा तो n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल को n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, दिस इज n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। अच्छा n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2 इंटू एन माइनस 2 किसके इक्वल, एन प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 4 इज इक्वल टू एन प्लस 1, 2n में से n जाएगा तो n और ये उधर जाके 4 ऐड, तो दिस इज 5। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे n की वैल्यू क्या आ जाती है, 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो अब हमें क्या गिवन है, NP5 इज 2 n माइनस 1 पी 4 किसके इक्वल है, 6 इज टू 1 के, तब n की वैल्यू, तो इसको लिख सकते हैं NP5 अपॉन n माइनस 1 पी 4 इज इक्वल टू 6 बाय 1, दिस इंप्लाइज ऊपर वाले को सोल्व करो n फैक्टोरियल बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल, और ये क्या आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे और ऊपर चेंज करेंगे तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 6, ये दोनों कैंसिल, ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, कैंसिल होके n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ये आंसर आ गया। ठीक है, इस टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलो अब हमें r फाइंड आउट करना है, जब ये इक्वल गिवन है तो क्या गिवन है, 4 इंटू 6 पी आर किसके इक्वल है, 6 पी आर प्लस 1, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, 4 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस r फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस के दिस करेंगे ना, 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 इसको इधर लाएं, तो ये तो हो गया 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 माइनस आर फैक्टोरियल, 4 इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 माइनस आर
फिर एक और माइनस करेंगे तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल, आर इधर आ जाएगा, 4 इधर आके सब्ट्रैक्ट, सो आर इज इक्वल टू 2, ये आंसर आता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो इसी टाइप से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो सिंपल सिंपल क्वेश्चन से हम ट्राई कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, 10p r plus 1 is to 11p r किसके इक्वल है, 30 is to 11, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, कैसे करोगे, 10p r plus 1 upon 11p r is equal to 30 by 11। इसको कैसे लिख सकते हो, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस दिस करोगे तो 9 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा, 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस के आर फैक्टोरियल, दिस इज 30 बाय 11। अब देखो ये फोर टर्म्स हैं तो इनको क्या लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल बाय 9 माइनस आर फैक्टोरियल, इसको चेंज करेंगे 11 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में 11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 बाय 11। देखो 10 फैक्टोरियल कम है 11 ज़्यादा है, तो इसको तो 10 फैक्टोरियल रहने दिया, ये 9 माइनस आर फैक्टोरियल भी एज 11 माइनस आर, 10 माइनस आर, 9 माइनस आर फैक्टोरियल डाउन करते लेकर लिख के 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, दिस इज 30 बाय 11। देखो इस 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल, 9 माइनस आर फैक्टोरियल से 9 माइनस आर, 11 से 11। ठीक है, तो आपका एक मेथड तो ये है, 11 माइनस आर इंटू 10 माइनस आर किसके इक्वल है, 30 के, 30 को तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5। अच्छा एक तरीका तो यह, इसको इस फॉर्म में लिख दो, मैं एक तरीका यहाँ से करता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 11 माइनस 5 10 माइनस 5, दोनों को कंपेयर करें, देयरफॉर आर की वैल्यू क्या आ गई, 5, ये आंसर है। ठीक है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला एक आंसर, एक वैसे तो ये आंसर ठीक है, हम प्लस वैल्यूज ही लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते हैं कि आर की वैल्यू है। चलो ये दूसरे तरीके से बड़ी वैल्यू मिले आर की, वो भी पॉसिबल नहीं है, वो दूसरे तरीके से देखो मैं बताता हूँ आपको, 11 माइनस आर, 10 माइनस आर इज इक्वल टू 30, 11 को इससे 110 माइनस 10R माइनस 11R माइनस 21R और ये R स्क्वायर इज इक्वल टू 30, तो R स्क्वायर माइनस 21R और प्लस क्या आ जाएगा, 80 इज इक्वल टू 0, तो R माइनस 16 और R माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो R की वैल्यू 16 और 5 होगी, तो R की वैल्यू यहाँ पर अगर जैसे ही हम 16 करते हैं तो वो माइनस में आ जाता है फैक्टोरियल। देखो आर की वैल्यू 16 अगर हम कहाँ पुट करें, यहाँ पर 16 करें तो प्रॉब्लम, यहाँ 16 करें तो प्रॉब्लम, तो देयरफॉर 16 इज नॉट पॉसिबल, आर इज इक्वल टू 16 नॉट पॉसिबल, देयरफॉर आर किसके इक्वल होगा, 5 का, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे टाइप से हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, अभी तो परम्यूटेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, अब आ जाती है रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस। रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस में क्या है, जैसे कि एक मैं लिख देता हूँ,
कि भाई परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, टेकन ऑल एट ए टाइम, इन विच पी थिंग्स ऑलवेज अकर टूगेदर। अब देखो ये कंडीशन लगा दी हमने इस पे, जो पी थिंग्स है वो ऑलवेज अकर टूगेदर। पहले ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो इसके लिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन से द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, इसका सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ। देखो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपके पास n थिंग्स हैं, उसमें से p थिंग्स निकाल लिए और उसका एक ब्लॉक बन गया। उस एक ब्लॉक को मान के देखो, n माइनस p तो डिफरेंट थिंग्स हैं, और जो p थिंग्स हैं उसको एक बॉक्स में डाल दिया, समझो एक बॉक्स। उस बॉक्स को इसके साथ काउंट कर लेंगे, इतने बॉक्स हो गए, तो अरेंज कर सकते हैं हम इतने नंबर ऑफ वेज। अच्छा, दूसरा जो पी है अंदर थिंग्स, उनको भी तो आगे पीछे कैसे भी हम अरेंज कर सकते हैं, वो पी फैक्टोरियल वेज से। तो टोटल अरेंजमेंट्स क्या आएंगे इसमें, टोटल आएंगे पी फैक्टोरियल इंटू एन माइनस पी प्लस वन फैक्टोरियल, ये आंसर आएगा। ये मैं क्वेश्चन से क्लियर करता हूँ आपको। देखो एक और फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले सीख लो अभी क्वेश्चन से, मैं बताता हूँ फिर आपको। परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम when x particular things are always included। ठीक है, तो इसमें क्या है, first x particular things can be arranged in r places, भाई x r तो places हैं, उसमें एक्स पर्टिकुलर थिंग्स है, इस टाइप से हम अरेंज कर सकते हैं। रिमेनिंग कितने प्लेसेस बचे, आर माइनस एक्स, और थिंग्स कितनी बची, एन माइनस एक्स, तो इन टू में क्या आएगा, एन माइनस एक्स थिंग्स पी आर माइनस एक्स, ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आया। देखो परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, कितनी डिफरेंट थिंग्स हैं, एन, taken r at a time when x particular things are always included। तो पहले तो r में x को बैठा दिया, एक जगह r को में x को अरेंज कर दिया, कितनी भी नंबर ऑफ वेज से कर सकते हैं, r p x से इनटू। अब थिंग्स कितनी बची हैं, भाई अभी तो हमारे पास जो x थिंग्स थी वो सेटअप हुई है। देखो यहाँ से x थिंग्स तो n माइनस x बच जाएंगी, यहाँ पर R में x को ही लिया अभी, तो R माइनस x बची हैं, वो इतने में अरेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज। अच्छा अब एक और मेथड है, यहां तो हमने क्या किया है, परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन एक्स पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। अब ये तो इंक्लूडेड का केस, अब आ जाए एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड में क्या आ जाएगा, इन दिस केस टोटल थिंग्स कितनी बचेंगी, एन माइनस एक्स बच जाएंगे थिंग्स,
और अरेंज करनी है कितनी आर, तो दिस आर, सिर्फ ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे थ्री फॉर्मूले सीखे हैं आज हमने इसमें। और अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा नहीं आज, एक ही एक दो ही क्वेश्चन कराता हूँ मैं। इन हाउ मैनी वेज कैन 10 पीपल लाइन अप एट ए टिकट विंडो ऑफ ए सिनेमा हॉल? इन हाउ मैनी वेज कैन 10 पीपल लाइन अप एट ए टिकट विंडो ऑफ ए सिनेमा हॉल? तो ये तो सीधा ही है भाई, डायरेक्ट दिखाई दे रहा आपको कि भाई कितने पर्संस हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 10 पीपल्स आर टेकन 10 एट ए टाइम, दिस इज। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? ए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे डायरेक्ट भाई, 10 पीपल्स हैं और 10 को ही अरेंज करना है, दिस इज 10 फैक्टोरियल, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज 362 8800, ये इसका आंसर है। डायरेक्ट क्या करना था इसका, अरेंजमेंट करना था। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी आएंगे अपनी वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।